लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समूचा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा, जहां 12 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा तथा आंगनों में रंगोली, सामूहिक राष्ट्रगान, देशभक्ति पर आयोजन, पथनाट्य, रैलियां आदि का बड़े पैमाने पर आयोजन तथा नियोजन जारी है। सावनेर पुलिस थाने के सभागृह में पुलिस विभाग, पंचायत समिति सावनेर, सावनेर तालुका मराठी, पत्रकार संघ, लॉयंस क्लब, शांतता कमेटी, बचत गट, पुलिस पाटिल, व्यापारी संघ तथा समाजसेवी संस्थाओं के अधिकारी पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की पुलिस उप विभागीय अधिकारी अजय चांदखड़े की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सावनेर थानेदार मारुति मुरुक, पंचायत समिति सावनेर के BDO दीपक गरुड़, सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले, लॉयंस क्लब सावनेर के अध्यक्ष डॉक्टर शिवम पुन्यानी आदि की प्रमुखता में संपन्न इस सभा में हर घर तिरंगा इस आयोजन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता तथा ध्वजारोहण संबंधित जानकारी उपस्थितों को दी गई। इस अवसर पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी अजय चांदखेड़े ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पंचायत समिति सावनेर के BDO दीपक गरुड़ ने आजादी के अमृत महोत्सव दरमियान किए जाने वाले अन्य आयोजनों की जानकारी दी। तो हर घर तिरंगा यह आयोजन के सफलतार्थ सभी शासकीय, निम शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही सभी सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पत्रकार बंधुओं की भी सजगता से प्रयास करने की बात सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले ने अपने वक्तव्य में कही। महाराष्ट्र TV24 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले, सावनेर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।